ही है, जरा हम उनको देख ले। आप जरा ये देखें, ये हरियाणा से आए हुए हैं। जुड़ रहे हैं अरुण, आप कहाँ हैं? कुछ रंग आपकी अयोध्या के दिखाइए हमें। देखिए पंकज, मैं धर्म पथ पर हूँ, पंकज मैं धर्म पथ पर हूँ, और इस धर्म पथ पर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, जिधर भी आप देखेंगे, कैमरे के लेंस जहाँ भी जाते हैं, वहाँ राम धुन और राम गीत में मस्त लोग दिखाई देते हैं। देखिए ये मथुरा से ये जो कलाकार आए हैं वो राधे की नगरी से आए हैं, लेकिन देखिए किस तरह से मोर पंख के साथ यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। देखिए जय श्री राम का नाम लेकर के श्री कृष्ण की नगरी से जो लोग आए हैं वो भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हर तरफ आनंद है, उल्लास है, उत्साह है, और ये अयोध्या नगरी है जिसका वर्णन आपने, देखिए जिस तरह से आपने ये सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, यह कल्पनीय है, अद्भुत है। चलते हैं, हमारे सहयोगी भी नजर बनाए हुए हैं अयोध्या में किस तरह से पूरा उत्सव का माहौल है। हेलो, रवि के पास, रवि बस ठीक है। हाँ अरुण, अरुण बिल्कुल अरुण, देखिए ये एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे, ये नामधारी समाज के लोग हैं और यहाँ पर अयोध्या में किस तरीके से आए हैं और बड़ी संख्या में। सर किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, चंद घंटे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कहाँ कहाँ से आप लोग आए? आज कण कण में प्रभु राम का वास हो रहा है, नामधारी समाज गुरु दिलीप सिंह जी के आदेश पर यहाँ आया है। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, सभी जगह से नामधारी समाज के हमारे बंधु आए हैं। यहाँ 150 करीब लोग आए हैं जो लंगर लगा रखा है, और राम जी की कृपा है और गुरु जी की कृपा है, और ये गधा, गधा हनुमान जी का शक्ति का स्वरूप है। इसी से जो जो ऐसी ताकते हैं, जो काल नेमी है, उनको आप लोग कुछ सुना सकते हैं? देखिए जो हमारी गुरबाणी है उसमें भी लिखा हुआ है, ठाकुर द्वारा ढाके मस्जिद दियो बनाए, तो गुरबाणी में भी जिक्र है, गुरु की वाणी में भी, कि हमारा जो मंदिर था भगवान का, ठाकुर का, उसको द्वारा ढाके मस्जिद बनाई गई थी। गुरु नानक देव जी के सब वंशज हैं, और रामदेव जो गुरु नानक देव जी हैं वो राम जी के ही वंशज हैं, सब हम लोग एक ही हैं। और आज जिस तरह से सनातन की परंपरा आगे बढ़ रही है, समाज का हर वर्ग अपना अपना योगदान गलहरी की तरह इस आंदोलन में देना चाह रहा है, वो सभी लोग इसीलिए आए हैं। कुछ सुना सकते हैं, गुरबानी सुना सकते हैं? श्री रामचंद्र रूप नारे किया, श्री राम जिस रूप नारे किया, श्री रामचंद्र रूप नारे किया, श्री रामचंद्र जिस रूप नारे किया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जय श्री नानक, जय गुरु नानक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले सतगुरु दिलीप सिंह जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हर तरफ जय श्री राम की गूंज, आप देखिए यहाँ किस तरह का रंग बन गया है। अब आप देखिए ये एक बीन मंडली आई है हरियाणा से,
और यहाँ तमाम जो अयोध्या वासी हैं वो झूम रहे हैं राम के लिए, राम नाम के लिए। ये यहाँ का माहौल है, आप समझ सकते हैं। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन लोगों में जो उल्लास है, देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आए हैं पूरी आस्था के साथ, बेहद खुश हैं, इसलिए क्योंकि उनके रामलला यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इतनी खुशी है इन लोगों में और ये सुध-बुध खो बैठे हैं, और सिर्फ लगन है तो भगवान राम की, रामलला की, उनके दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि वो पॉसिबल हो पाएगा 23 तारीख के बाद, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जबरदस्त आयोजन किया गया है, तो इतने ज्यादा VVIPs वहां पर आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आम जनता के लिए दर्शन जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है, बाद में शुरू होंगे। तो लेकिन आप ये देखिए, इन्हें लगता है कि ये जहां भी होंगे इन्हें रामलला के दर्शन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और सिर्फ इन्हें लगन है तो भगवान राम की, राम धुन में ये मगन हो चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं अयोध्या की, आप देखिए, आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, अयोध्या की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ भगवान राम, हर किसी के ललाट पर, माथे पर श्री राम लिखा है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, बेहद खुश है रामलला के आगमन से। और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आलम है यहाँ पर, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये खुशी इनके नृत्य में, इनके नारों में, भगवान श्री राम में, हर किसी के मोबाइल फोन में ये तस्वीरें वो ले रहे हैं, राम लला की तस्वीरें उनके फोन में आ रही हैं। ये आलम है यहाँ का, ये खुशी उन लोगों को मिल रही है यहाँ पर आकर। तो आप अगर नहीं है अयोध्या में तो भी आप अपने घर में ही रामलला के दर्शन कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अयोध्या में हैं तो आप देखें कि किस तरह का आलम यहाँ अयोध्या नगरी में है। तो इसी तरह की तस्वीरें ना सिर्फ यहाँ लता मंगेशकर चौक में है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें राम की पेड़ी में है, सब जगह है। अरुण